नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। अभाव और बाधाएं किसी को भी संघर्ष की प्रेरणा देते हैं, मकसद देते हैं एक नए रास्ते पर निकलने का। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी अनुशासन में रहने का रास्ता चुनते हैं। ऐसा ही नाम है मीना कुमार का, जिनसे आज हम आपको मिलवा रहे हैं। चांदी की चम्मच के साथ पैदा होने वाली बेटियां भी नेक नियति को मकसद बना सकती हैं। इसी सोच के साथ देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवा में पहले ही प्रयास में सफल हुई ये बेटी हरियाणा जैसे पुरुष प्रधान समाज में इनकम टैक्स विभाग की पहली प्रिंसिपल कमिश्नर बनी। मिलिए आज के एपिसोड में IRS ऑफिसर नीना कुमार से। हरियाणा की फरीदाबाद को इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। उत्तर भारत के लोगों के लिए रोजगार का केंद्र है यही फरीदाबाद। देश के राजस्व में बड़ी भूमिका है यहाँ के उद्योगों की, और इस महत्वपूर्ण शहर के राजस्व का हिसाब रखती हैं नीना कुमार, जो इस जिम्मेदारी को निभाने वाली देश की पहली बेटी है। आपको हमेशा ये समझा जाता है कि अच्छा, ये इनको महत्वपूर्ण काम मत दीजिए, ये इनको मुश्किल काम मत दीजिए, लेडी हैं, इनको प्रोटेक्टिव रखिए, इनसे नहीं होगा, इनको फैमिली की समस्याएं हैं, इनको वो हैंडल करनी पड़ती हैं, इसलिए इनको लाइट पदों पर रखा जाए। पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में नीना ने कदम 1982 में रखा था, जब पहले ही प्रयास में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफलता मिली और राजस्व शाखा में नियुक्ति हुई। बतौर असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली से शुरुआत की तो देश के कई हिस्सों में अपने काम से साबित किया कि आर्थिक क्षेत्रों में भी बेटियों को अवसर मिले तो वे बेहतर नतीजे दे सकती हैं, और पिछले 33 सालों की सेवा में नीना ने इसे साबित किया है। विभाग की जटिलताओं, आर्थिक नियमों की पेचीदगियों और भ्रष्टाचार को दूर रखने में उनके प्रयासों की वजह से ही उन्हें हमेशा वक्त पर प्रमोशन मिले और अब वे चीफ कमिश्नर बनने जा रही हैं। इलाहाबाद के एक सक्षम परिवार में जन्मी नीना के माता पिता ने बेटी को पढ़ने के लिए पहले दिल्ली और फिर UK भेजा। 1982 के उस दौर में युवाओं का विदेश में नौकरी करना एक सपने जैसा था, लेकिन उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य और अपने जमाने की मशहूर शिक्षिका रही नीना की मां ने IAS में जाने का रास्ता दिखाया। हालांकि परिवार में ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन मां ने अपनी बेटी का उत्साह बढ़ाया तो पहले ही प्रयास में सफलता मिली और वो देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ी। समृद्ध परिवार में सुविधाओं के बीच भी अनुशासन में जीने की आदत ने उन्हें दूसरी बेटियों से अलग खड़ा किया, और संयुक्त परिवार में रहते हुए नीना ने लखनऊ में ये अनुशासन सीखा तो दिल्ली में रहते हुए अपनी बेटी को सिखाना भी नहीं भूली। यही वजह है कि इकलौती बेटी आज वर्ल्ड बैंक में काम कर रही है और बेटी के दूर चले जाने का भावनात्मक दबाव भी है, लेकिन काम के बीच भावनाएं बाधा न बने ये नीना ने पति से सीखा है। अब जब बेटी विदेश में है और पति भी मिजोरम के DG पुलिस, तो दफ्तर और घर के बीच तालमेल बैठाते हुए वे दूसरी बेटियों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रही हैं। लेडीज मल्टीटास्कर्स बाय नीड एंड नेसेसिटी बन जाती हैं। कभी मेरे ख्याल से जब वो घर जाती हैं तो उनको, मैं घर जाती हूँ तो मैं ये अपना ऑफिस का चोगा घर में ऑफिस में छोड़कर जाती हूँ और घर जाके एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहना पसंद करती हूँ। आज नीना के परिवार की बेटियाँ देश से लेकर दुनिया भर में अपनी क्षमता का परचम लहरा रही हैं, तो वजह है वो पहला कदम जो 32 साल पहले नीना ने आगे बढ़ाया था। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। इनकम टैक्स के पैसे का हिसाब किताब ही नहीं रखती है नीना कुमार, बल्कि काले धन पर कड़ी नजर भी रखती है। फरीदाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्र में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जरूर मिलिए इनकम टैक्स की इस प्रिंसिपल कमिश्नर से हमारे साथ अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो में शनिवार रात 9:30 बजे।